गांधी परिवार से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। मोदी सरकार गांधी परिवार की सुरक्षा कम करने की तैयारी कर रही है। सूत्रों के हवालों से बताया जा रहा है कि गांधी परिवार से एसपीजी सुरक्षा घेरा हटाया जाने वाला है। अब नई व्यवस्था में एसपीजी की जगह जैद प्लस सुरक्षा दी जाएगी। कांग्रेस ने मोदी सरकार के इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए इसे एक साजिश करार दिया है। कांग्रेस का कहना है कि इस फैसले के पीछे आरएसएस की मंशा काम कर रही है। जानकारी के मुताबिक अब गांधी परिवार की सुरक्षा में जैद प्लस श्रेणी की होगी और सीआरपीएफ के कमांडो सुरक्षा ड्यूटी में तैनात होंगे। ये महत्वपूर्ण फैसला गृह मंत्रालय की उच्च स्तरीय बैठक में लिया गया। इसका मतलब है कि अब एसपीजी की सुरक्षा सिर्फ पीएम मोदी के पास ही रहेगी, क्योंकि इससे पहले एसपीजी की सुरक्षा सिर्फ 4 लोगों के पास थी, जिसमें पीएम मोदी के साथ साथ सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का नाम भी शामिल था। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।